कोई एक आदमी और दल बिहार को नहीं सुधार सकता है। पूरी व्यवस्था नीचे से ऊपर तक इसमें घुल लग गया है। बिहार को अगर सुधरना है तो 1,25,000 तो खाली वार्ड सदस्य जीत कर आ रहा है। 1,25,000 अच्छा आदमी वार्ड सदस्य भी होना चाहिए। 8,500 मुखिया जी लोग जीत रहे हैं, इतना ही आदमी सरपंच जीत रहा है, 15,000 के आसपास BDC लोग जीत रहे हैं, प्रमुख है, जिला पार्षद है, मेयर है, विधायक है, करीब करीब 1,50,000 लोग चुनकर आते हैं, जनप्रतिनिधि अलग अलग लेवल पे। तो पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, 1.5-2 लाख लोगों को, जिनको इन सारे पदों पर उनकी योग्यता और अनुभव के हिसाब से चुनाव लड़ाया जाए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव दल नहीं लड़ाते, लेकिन जन सुराज की सोच ये है कि नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक अगर कोई योग्य लड़का है जो वार्ड सदस्य लड़ सकता है, तो एक बार जब चुनकर ये व्यवस्था बन जाएगी तो उसको वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे। मतलब उसके पीछे जन सुराज संगठन अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपना संसाधन, अपनी व्यवस्था लगाएगा ताकि सही आदमी मुखिया भी जीते, सही आदमी सरपंचो जीते, सही आदमी वार्ड सदस्य जीते। खाली विधायक और MP बनाने का ये प्रयोजन नहीं है। तो जब हम कह रहे हैं कि सही लोगों को ढूंढ कर निकालना है, आदमी कहता है कि भैया समाज में अब सही बचल के बा, सब तो खराबे बा। मान ली कि 100 आदमी समाज में बा, तो 100 में एक आदमी भी अच्छा आपके नजर में बचा है कि नहीं? कम से कम तो अगर 100 में एक अच्छा बा, तो बिहार के जनसंख्या कितना बा? 13 करोड़। तो 100 में अगर एक अच्छा आदमी है तो आप ही के हिसाब से कम 14-15 लाख आदमी तो जरूर अच्छा है। तो 14-15 लाख नहीं खोज रहे हैं हम लोग, पूरे समाज में 1.5-2 लाख ऐसे आदमी को खोज रहे हैं जिसके साथ ये नई व्यवस्था बनाई जा सके, इसीलिए इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं।